भारत की सर्वश्रेष्ठ प्राचीन से प्राचीन विरासत जो सारे दुनिया को भारत से प्राप्त हुई है वो है योग। और ये योग स्वयं भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में अर्जुन को सिखाया था कि जिसके माध्यम से कहा कि हे अर्जुन, इस योग को साधने से ही तुम राजाओं के राजा बन जाओगे। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता को युद्ध शास्त्र नहीं कहा जाता है, योग शास्त्र कहा जाता है, जिसमें करीबन 100 के लगभग श्लोक योग से संबंधित है और युद्ध से संबंधित सिर्फ 15-20 श्लोक है। तो क्यों नहीं ये जो विरासत हम जो दुनिया को देते हैं, आज हम अपने जीवन के अंदर भी उसको धारण करें, उसको अमल करें, क्योंकि ये योग मनुष्य जीवन के अंदर संतुलन को ले आता है। जितने भी आसन दिखाए गए हैं, चाहे वो पद्मासन हो, शीर्षासन हो, शवासन हो, या और भी अनेक जो आसन दिखाए हैं, वहां शारीरिक संतुलन तो मनुष्य ले आता है और शारीरिक संतुलन से शरीर को अनेक बेनिफिट्स मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। शरीर हमारा स्वस्थ जरूर रहता है, परंतु आज दुनिया में जिस प्रकार के क्राइसिस चल रही है उसमें देखा जाता कि मनुष्य का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है और मानसिक असंतुलन के कारण ही अनेक प्रकार के प्रॉब्लम्स उसके जीवन में, उसके रिलेशनशिप में, उसके व्यवहार में, और वहां तक कि वो मानसिक असंतुलन उसके फिजिकल हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है। आज मनुष्य की इम्यूनिटी जो है वो कम होने लगती है क्योंकि मन कमजोर पड़ गया है। तो इसीलिए भगवान ने जब अर्जुन को राजयोग सिखाया और कहा कि इसी योग से तुम राजाओं के राजा बनेंगे, अर्थात ये योग कोई दैहिक स्मृति के अभ्यास के आधार पर नहीं है, लेकिन राजयोग माना हम अपनी मनस्थिति को आत्मिक स्थिति में स्थित करते हैं। एक है बॉडी कॉन्शियसनेस, एक है सोल कॉन्शियसनेस। जब व्यक्ति बॉडी कॉन्शियसनेस में है तो टेंडेंसी ये होती है ईगो कॉन्शियसनेस की तरफ जाने की, लेकिन जब सोल कॉन्शियसनेस होता है तो व्यक्ति की आंतरिक संतुलन की स्थिति बढ़ जाती है, उसकी मेंटल इम्यूनिटी बढ़ जाती है, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी बढ़ जाती है। और ये योग इसीलिए भगवान ने अर्जुन को साधने के लिए कहा था, क्योंकि अर्जुन खुद भी कमजोर हो पड़ रहा था, मानसिक दुर्बलता उसके अंदर आने लगी थी, चाहे मोह के वश या अनेक प्रकार के कर्मेंद्रिय जब अधीनता की ओर जा रही थी तो ये मानसिक असंतुलन उसका विकसित हो रहा था। तो आज की प्रेजेंट क्राइसिस के अंदर भी हम ये देखते हैं कि फिजिकल आसन कोई भी व्यक्ति कर ले, बेनिफिट जरूर है, लेकिन आवश्यकता है कि अपने मन को संतुलित बनाने के लिए। तो राजयोग क्या है? राजयोग अर्थात अपने कर्मेंद्रिय को सुसंस्कृत करने का एक विज्ञान, इट इज अ साइंस, कि जिस साइंस के माध्यम से हम मन को सशक्त करते हैं। इंद्रियां जितनी सुसंस्कृत होती है उतना मन हमारा सहज स्वाभाविक रीति से सशक्त बनने लगता है। दूसरा ये भी कहा गया है कि राजयोग एक मन को मित्र बनाने की कला है, तो इट इज एन आर्ट एंड अ साइंस। मन को मित्र बनाने की कला अर्थात मन के अंदर पॉजिटिव ऊर्जा को विकसित करना, क्योंकि जितना मन के अंदर नकारात्मक विचार चलते हैं तो नेचुरल है कि मन अपना ही शत्रु बन जाता है, परंतु जब मन के अंदर
पॉजिटिव ऊर्जा को विकसित करते हैं उतना मन हमारा मित्र बनने लगता है। तो एक तरफ मन को मित्र बनाने की कला, एक तरफ ये इंद्रियों को सुसंस्कृत करने का एक विज्ञान, यानी एक साइंटिफिक तरीके से हम अपनी इंद्रियों के ऊपर अधिकार प्राप्त करते हैं। अब इस राजयोग के अभ्यास से हमारे जीवन के अंदर क्या प्राप्ति, क्या फायदे होते हैं? क्योंकि इंसान का मन वही करने के लिए प्रेरित होता है जहां से कुछ प्राप्ति होती है, जहां से कुछ फायदे होते हैं। तो राजयोग को साधने से हमारे मन की एकाग्रता बढ़ती है, बुद्धि की स्थिरता आती है, कर्म में कुशलता आती है, व्यवहारों में शुद्धि आती है, भावनाओं में निर्मलता आती है और संबंधों में सुमधुरता आती है। बताओ, इतने फायदे हो तो कौन इंसान न करना चाहे इस योग की अभ्यास को। साथ ही साथ कहा जाता है कि हमारी वृत्ति निरंतर सकारात्मक दिशा की ओर बढ़ती है, जिसके कारण हमारी मनस्थिति सकारात्मक बनने लगती है। साथ ही साथ आज मनुष्य की मानसिक असंतुलन की स्थिति इसलिए आती है क्योंकि उसके जीवन के अंदर भावनात्मक असंतुलन आ गया है। तो राजयोग हमें भावनात्मक रूप से संतुलित करता है, सशक्त मानसिकता हमारी बनने लगती है, पावरफुल एम्पावर्ड मेंटालिटी बनती है, जिससे नेचुरल है एक तनाव मुक्त जीवन हम जी सकते हैं। सुव्यवस्थित आंतरिक संसाधन, हमारे इंटरनल रिसोर्सेस जितने भी है, चाहे फिजिकल रिसोर्सेस, मेंटल रिसोर्सेस, इमोशनल रिसोर्सेस, स्पिरिचुअल रिसोर्सेस हमारे विकसित होने लगते हैं और उसी से ही व्यक्ति की पर्सनैलिटी, टोटल पर्सनैलिटी एक स्वस्थ पर्सनैलिटी बनने लगती है। तो जिसको कहा जाए कि जो हमारे भीतर की मैकेनिज्म है, इस भीतर की मैकेनिज्म को बहुत सुंदर बना देता है। लेकिन अगर देखा जाए तो योग सिर्फ कुछ समय या एक दिन, आज इंटरनेशनल योगा डे है इसलिए एक दिन योग करने से इतने प्राप्ति नहीं होती है, इतने फायदे नहीं होते हैं। योग को एक जीवन शैली बनाने की आवश्यकता है। आज की दुनिया के अंदर कई लोग पतंजलि के अष्टांग योग को भी फॉलो करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन इसीलिए उसमें भी विशेष करके आसन और प्राणायाम को ले लेते हैं। लेकिन उसके अष्टांग योग में जो 8 पंख उसके बताए हैं, तो बाकी सब पंख को छोड़ करके आसन और प्राणायाम खाली ले लिया तो उससे तो प्राप्ति नहीं हो, जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती है। तो इसीलिए संपूर्ण रीति से प्राप्ति अगर व्यक्ति करना चाहे तो ये योग को एक जीवन शैली बनाना आवश्यक है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 जो उसके पंख है, उसको अगर डिटेल से देखा जाए कि किस तरह हम उसको अपने जीवन शैली में शामिल करें। तो व्यक्ति की अगर आज मानसिकता हिंसक बनती जा रही है, छोटे बच्चे के अंदर भी अगर देखा जाए तो हिंसक मनोवृत्ति उसकी बनती जा रही, उसके कारण ये है कि यम के जो 5 परिहार बताए हैं उसको हमें जीवन के अंदर ले आना बहुत जरूरी है। और इसी बात को महात्मा गांधी जी ने भी विशेष स्ट्रेस किया था, जोर दिया था। उन्होंने तो अपनी लाइफ इसके आधार पर जरूर जिया, लेकिन आवश्यकता है कि हमें भी अपने मनोबल को मजबूत करना है, मानसिक एकाग्रता को विकसित करना है, मानसिक सकारात्मक मनस्थिति को डेवलप करना है। तो ये 5 परिहार यम के जीवन में शामिल करना बहुत जरूरी है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 परिहार यम के जीवन शैली में जरूर शामिल करें। नियम में 5 धार्मिक क्रिया बताई है,
सबसे पहले पवित्रता, जो शरीर, वस्त्र, स्थान, आहार सब बातों की पवित्रता को जीवन में शामिल करने की आवश्यकता है। दूसरा आंतरिक सद्गुण जो आवश्यक है, या जो सभी गुणों के राजा माना गया है, वो है संतोष। जितना मन इधर उधर भटकता है उसका कारण ये है, कहीं ना कहीं आसक्ति के पीछे मन भाग रहा है। आंतरिक सेटिस्फैक्शन, आंतरिक संतोष व्यक्ति के जीवन में नहीं है। जब पवित्रता संतोष है तो तपस्या, यही एक तपस्या मान, तपस्या माने ये नहीं कि कोई ऋषि मुनि की तरह हमें जंगल में जाकर के तप करने की जरूरत है। तपस्या माना ही कोई भी कार्य करे उसमें दृढ़ता हो, ये तप है। चौथा नित्य स्वाध्याय करने की आवश्यकता है। ज्ञान का मनन चिंतन, ज्ञान का प्रवाह हमारे जीवन के अंदर नित्य चलता हो। इसीलिए तो भगवान ने भी अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्थात स्वाध्याय। और ईश्वरीय प्रणिधान अर्थात परमात्मा के प्रति आत्मसमर्पण हो। तो ये पांच धार्मिक क्रियाएं बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जो पतंजलि ने आसन बताए हैं उसमें भी विशेष, क्योंकि आज की दुनिया के अंदर देखा जाए तो कई लोग घुटनों के प्रॉब्लम्स वाले हैं, कई लोगों के अनेक गाउट प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो आसन्स में बैठना उनके लिए संभव नहीं है। और इसीलिए पतंजलि ने यही बात कहा कि सुख पूर्वक जिसमें स्थिर बैठना हो उस आसन में आप बैठ सकते हैं। मानो अगर आपको घुटने का प्रॉब्लम हो, आप स्थिरता से अगर कुर्सी पर बैठ के कर सकते तो वहां पर भी आप बैठ करके इस आसन में जिसमें सहजता हो, सुख रीति से आप बैठ सकते हो और जिसमें स्थिरता को आप मेंटेन कर सको। इसलिए कहा स्थिरम सुखामासनम, अर्थात सुख पूर्वक सहज रीति से स्थिर बैठना। साथ ही साथ प्राणायाम जो कहा, तो प्राणायाम अर्थात मनुष्य आत्मा पर जो अज्ञानता का पर्दा है उसका नाश करना है तथा मन की चंचलता को मिटाना है, ये प्राणायाम। मनुष्य तभी कहते हैं कि जब व्यक्ति प्राणायाम करता है, श्वास की क्रियाएं करता है, तो उस समय उसकी मन की एकाग्रता विकसित होती है। वास्तव में सहजता से अगर देखा जाए कि हर कोई ये प्राणायाम नहीं कर सकता है फिजिकली, तो जितना ज्ञान का उदय मन के अंदर होने दे, अज्ञानता का पर्दा हटता जाता है, उसका नाश होता जाता है, तो मन की चंचलता आपे ही समाप्त होने लगती है, उसी का नाम प्राणायाम है। फिर आगे कहा प्रत्याहार, अर्थात इंद्रिय निग्रह, बाहरी वस्तुओं से इंद्रियों को अंदर की ओर मोड़ना, अर्थात आत्मस्थिति में मन को स्थित करने की बात है। और इसीलिए राजयोग के अंदर या योग के अंदर जब इंसान बैठता है तो भ्रुकुटि के मध्य में आत्म स्वरूप में स्वयं को स्थित करते हुए बैठना है। और आगे बताया धारणा, धारणा का मतलब है एकाग्रता, एक ही लक्ष्य पर एकाग्र होना। जीवन के अंदर धर्म अर्थात श्रेष्ठ आचरण, श्रेष्ठ धारणा, और उस श्रेष्ठ धारणा के लिए एकाग्रता की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब जीवन का श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए मन की एकाग्रता को विकसित करना बहुत जरूरी है, यही उसके जीवन की धारणा हो जाती है। आगे कहा अंतिम ध्यान और समाधि, जब ध्यान में इंसान बैठता है, आत्मस्थिति में मन को स्थिर करता है, तब उसकी दृष्टि और मन को स्थिर करना है। ध्यान का मतलब ही है
जहां हम स्थिर करते हुए अपने दृष्टि को कोई भी एक स्थान पर, एक बिंदु पर, परमात्मा पर केंद्रित करें और उसी के आधार पर मन को स्थिर करें, और तब वो समाधि की अवस्था अर्थात जहां निरसंकल्प स्थिति हमारी सहज बन जाती है। तो इसीलिए ये अष्टांग योग के जो 8 पांखे हैं उसको भी अपने जीवन के अंदर शामिल करना जरूरी है। ये योग दिवस हमें प्रेरित करता है, क्योंकि खाली एक दिन हम योगा एक्सरसाइज कर ले, प्राणायाम कर ले, उससे वो प्राप्ति नहीं होंगी। लेकिन जब ये अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं तो जीवन के अंदर जो प्राप्ति करना चाहते हैं उस प्राप्ति को हम कर सकते हैं। और तभी कहा गया कि राजयोग भारत का सर्वश्रेष्ठ योग है। कैसे? तो ये सभी योगों का राजा है। अनेक प्रकार के योग भगवान ने गीता में अर्जुन को सिखाया। दूसरे अध्याय में सांख्य योग या ज्ञान योग, बुद्धि योग की बातें की। तीसरे अध्याय में कर्म योग की बातें की। चौथे अध्याय में संन्यास योग की भी बातें की। पांचवे अध्याय के अंदर फिर उसको ध्यान योग की ओर प्रेरित करते हैं। और इस तरह आगे देखा जाए तो भक्ति योग की बातें भी की, समत्व योग के लिए कहा गया। तो ये सारे योग राज योग के अंदर समाये हुए हैं। समझ से ही व्यक्ति अपने मन को शांत भी कर सकता है, स्थिर भी कर सकता है। और बुद्धि को एकाग्र करना है। बुद्धि हमारे अंतरचक्षु है, अंतरचक्षु से स्वयं को देखना है। उसके लिए कोई कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कर्म के अंदर यही एकाग्रता को अगर शामिल कर दिया जाए तब व्यक्ति यथार्थ कर्म योगी बन जाता है। उसका हर कर्म कुशलता वाला होगा, व्यवहार कुशल बनने लगता है। संन्यास योग जो कहा अर्थात कि बुरी वृत्तियों के संन्यास करना है। कर्म में जो बुरी वृत्ति आ जाती है उन बुरी वृत्तियों का संन्यास करना है, तब हमारा ध्यान सहजता से ईश्वर में लग सकता है। और इसी को भक्ति योग भी कहा गया है। भक्ति योग अर्थात परमात्मा से इतना गहरा रिश्ता, इतना गहरा प्यार, जैसे मीराबाई का प्यार था, नरसिंह मेहता का प्यार था, ऐसा प्यार जब हम ईश्वर के साथ जोड़ देते हैं तो ध्यान करना सहज हो जाता, क्योंकि मनुष्य का मन वही एकाग्र होता है जहां उसका प्यार होता है। साथ ही साथ जो आसन्स बताए हैं, हठ आसन्स, हठ अर्थात दृढ़ता, और आसन्स अर्थात कि जिस आसन्स के अंदर एक संतुलन लाने की आवश्यकता है, इसीलिए उसको समत्व योग भी कहा गया है। तो बैलेंस योग माना ही बैलेंस जीवन के अंदर। ये सारे योग के भीतर भी एक बैलेंस लाने की जरूरत है। साथ ही साथ जो फिजिकल एक्सरसाइज व्यक्ति करता है, शीर्षासन तो कर लेता, लेकिन सिर के अंदर मन का एक संतुलन हो। सवासन व्यक्ति कर लेता है, सव जैसा आसन, शव जैसा आसन अर्थात एक डेथ पोस्चर की तरह, लेकिन वास्तव में भगवान कहते हैं जब नष्ट मोहा या आसक्ति से ऊपर उठते हैं या अपरिग्रह व्यक्ति के जीवन में आता है तब एक डिटैचमेंट सहज अनुभव कर सकता है। इसी तरह पद्म आसन, पद्म जैसा आसन तो बना लेता है लेकिन पद्म जैसा जीवन, निर्लिप्त जीवन, अनेक प्रकार की बुराइयों से निर्लिप्त जीवन। तो इस तरह से ये आसन हमें आंतरिक रीति से प्रैक्टिस करने की बात है। तो चलते हैं थोड़ी देर के लिए, मन को भीतर ले चलते हैं ध्यान के लिए। सर्वप्रथम अपने मन को आत्मस्थिति में स्थित करते हैं। अंतरचक्षु से स्वयं को देखें। भ्रुकुटी की मध्य में एक चैतन्य प्रकाश पुंज के रूप में
मन शांत, बुद्धि शीतल, स्थिरता है। और मैं आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध, पवित्र, निर्मल हूं। मैं आत्मा अपने स्वगुण में स्थित हूं। मेरा गुणधर्म शांति है। मन शांत, बुद्धि स्थिर है। और इस शांति की ऊर्जा को अपने रोम रोम में प्रवाहित होने देती हूं। इसी शांति में प्रसन्नता है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप, परमानंद का अनुभव कर रही हूं। कितनी सुंदर अनुभूति है ये। ओम शांति।